फाइनली दोस्तों हमारी इंडियन बाइक ड्रांड थ्री के अंदर एड होने वाली है गोल्डन कार। यहाँ दोस्तों आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, हमारी इंडियन बाइक ड्रांड थ्री के अंदर एड होने वाली है गोल्डन कार। मैंने गेम के डेवलपर से कांटेक्ट किया तो उसने कहा भाई बहुत ही जल्द हमें इंडियन बाइक ड्रांड थ्री के अंदर गोल्डन कार को भी एड करने वाले हैं। इसके लिए कौन कौन एक्साइटेड है जरा कॉमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। मैं आप लोग को कुछ चीट कोड्स बता देता हूँ, जैसे कि 3x4 मिला तो आप लोग के सामने ये वाली स्कॉर्पियो S11 आ जाएगी। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं स्कॉर्पियो क्लासिक मंगवाए तो 3x3 मिला तो आप लोग के सामने स्कॉर्पियो क्लासिक भी आ जाएगी। बहुत सारे भाई हमें पूछ रहे थे भाई इसका हम कलर चेंज कर सकते हैं लेकिन RGB नहीं हो रही, वो क्यों नहीं हो रही? तो यहाँ पे देख सकते हैं कलर इसका चेंज होता है लेकिन RGB इसके सामने से फ्रंट से थोड़ी सी RGB होती है। बाय द वे ये स्कॉर्पियो फुल RGB नहीं होती, पता नहीं क्यों होती लेकिन नहीं होती। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रीट कोड की तरफ आ जाते हैं जो कि हमारा यहाँ पे 4x2 में लगे तो आप लोग सामने ये वाली ATV आ जाएगी जो कि ज्यादातर रेगिस्तान में चलती है। तो इसको भी RGB आप लेवल का कह सकते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग RGB होता है इसका। आप लोग देख भी पा रहे होंगे काफी OP और काफी मस्त लग रही है। बाद मुझे बहुत सारे भाई एक्टिवा का चीट कोड पूछ रहे थे तो यहाँ पे आप 4x0 में लगे तो आप लोग के सामने ये वाली एक्टिवा होंडा एक्टिवा आ जाएगी। यहाँ पे आप लोग RGB लेवल की कर सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं यार क्या ही मस्त लग रही है, एक स्कूटी भी RGB होती है और OP लग रही है। खैर तो यहाँ पे मैं तारीफ नहीं करने आया हूँ, मैं आप लोग को कुछ सिखाने आया हूँ तो मैं आप लोग को सिखा देता हूँ। उसके बाद अगर आप लोग 4x9 में लगे तो आप लोग के सामने बुलेट आ जाएगी। भाई क्या ही लेवल है इस बाइक का, तो भाई लेवल ही अलग है बुलेट का। बुलेट के फैन कितने हो जरा कॉमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। और हाँ यार चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। उसके बाद अगर आप लोग 4x4 मिलाओगे ना आप लोग के सामने कोबरा बाइक आ जाएगी। भाई क्या OP लगती है लेकिन इसका आप कलर चेंज नहीं कर सकते, इसको RGB भी नहीं कर सकते, पता नहीं क्यों बाकी नहीं कर सकते। उसके बाद आ जाता है लैम्बोर्गिनी का चीट कोड, तो 4x3 मिलाओगे तो आप लोग सामने ये वाली लैम्बोर्गिनी आ जाएगी और इसका भाई RGB क्या ही लेवल का होता है, भाई मजा आ जाता है इसके RGB को देख के। तो उसके बाद हमारी तड़कती भड़कती फॉर्च्यूनर का चीट कोड है 1000 मिलाओगे आप लोग सामने RGB नहीं फॉर्च्यूनर आ जाएगी जिसकी आप लोग RGB भी कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं गो गाइस पास यहाँ पे RGB भी आ चुकी है। उसके बाद थार का चीटो 90 में लगा आप लोग सामने थार आ जाएगी। भाई लेवल है थार का तो अलग ही, और इसकी RGB भी तो हो सकती है लेकिन इतनी खास नहीं होती फॉर्च्यूनर और लैम्बोर्गिनी के जो है मैं टक्कर में नहीं आती इसकी RGB। देख सकते हैं क्या ही फॉर्च्यूनर लग रही है और थार इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लग रही। उसके बाद सुपर बाइक हायाबुसा का चीट कोड 7000 में लगा तो आप लोग सामने हायाबुसा आ चुकी, इसकी RGB होती है लेवल की, भाई मजा आ जाता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्या ही लेवल की RGB है, भाई मुझे तो बहुत पसंद आती है। उसके बाद अगर आप लोग को 8000 मिलोगे तो आप लोग सामने हेलीकॉप्टर आ जाएगा जैसे कि आप देख सकते हैं इसका भी कलर चेंज नहीं होता। उसके बाद अगर आप लोग 700 मिलोगे तो आप लोग के सामने लैम्बोर्गिनी V2 आ जाएगी। वो लैम्बोर्गिनी थी और ये लैम्बोर्गिनी V2 है, इसका भी RGB लेवल का होता है, भाई मजा आया। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट चीट कोड की तरफ जो है हमारी कोई भी नहीं है। भाई अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों को मिलती रहेंगी इस चैनल पे। बाय बाय, टेक केयर, चलो शॉट शॉट, ओके, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।